पब्लिक टीवी आपकी आवाज। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने भारी भरकम प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जिसको लेकर सब विभिन्न प्रकार से कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को बुद्धि विहार स्थित कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम क्षेत्र में महामंत्री संतराम यादव ने शिरकत की और सभी कार्यकर्ताओं को विजय लक्ष्मी और बनने की रणनीति बनाए। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि हम घर घर जाकर भाजपा की सरकार की योजनाओं का गुणगान करेंगे और सभी लोगों को योजनाओं से अवगत कराकर वोट मांगेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताने की कोशिश करेंगे। क्या तैयारियां हैं आगामी कार्यक्रमों को लेकर? 2019 का जो आचार संहिता है वो भी लग चुकी है, क्या कहेंगे, क्या तैयारियां हैं आपकी? भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक लक्ष्य बना रखा सब लोगों ने कि मोदी जी माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और एक हर युवा एक लक्ष्य के साथ उतर रहा है। हमारी योजना है उसको हम नीचे बूथ स्तर तक ले जा रहे हैं और सभी जो हमारे कार्यकर्ता इस कार्य के लिए सब प्रतिबद्ध हैं। 2019 में युवा मोर्चा की कितनी भागीदारी मान के चला? नहीं, हमारा तो युवा मोर्चा जो हिंदुस्तान है वो युवा का देश है और युवा मोर्चा को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है और उनका सपना है भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी पर हम बहुत युवा मोर्चा पर बहुत कुछ निर्भर करके चल रहे हैं। मुरादाबाद में युवा मोर्चे में एक आपसी जो एक मतभेद हो है उसे कैसे खत्म किया जाए? 2019 का चुनाव सर पर है, उसके बाद में खत्म नहीं हो रहा। ऐसा कोई मतभेद नहीं है, छोटी मोटी चल रही है, बहुत बड़ी पार्टी छोटी मोटी बात चलती है वो खत्म कर लिया जाएगा। उच्च अधिकारियों की बैठक में एक बड़ा सवाल उठा कि युवा मोर्चा मुरादाबाद काम नहीं कर रहा, खरी खोटी सुनने को मिल रही है, क्या लगता है आपको कितना सफल रहेगा मुरादाबाद में युवा? ये आपको पता लगेगा आने वाली 30 तारीख को, पता लग जाएगा कि युवा सम्मेलन होने जा रहा है, इस पर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, आपको विचार कर भी जाएगी। लेकिन इससे पहले जो 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 वाक्य सामने आए हैं, जिस तरीके की बातें सामने आई उच्च अधिकारियों की, जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके सामने जो बैठक रही है, उसमें बड़े सवाल खड़े हुए युवा मोर्चे पर, क्या क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है? कोई छोटी मोटी बात हो लेकिन हमारे संज्ञान में कोई छोटी मोटी बात है तो उस पर जो है बात कर ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। युवा मोर्चा पूरी तरह से जिला और महानगर पूरी तरह से काम कर रहा है और हम अपने लक्ष्य जो हमें दिया गया उसको पूरा कर रहे हैं। कितने बदलाव की ज़रूरत है अभी? कुछ भी नहीं बदलाव की, भारतीय पार्टी पूरे केंद्र से बदलाव है पूरी तरह से। आपके द्वारा क्या तैयारियां की जाएंगी इस तरीके के आपसी मतभेद को खत्म करने के लिए, किसी तरीके से कोई बात की? हम लोगों को मुझे जो है अपना मंडल मुरादाबाद कमिश्नर की जिम्मेदारी दी गई है और सभी लोकसभा क्षेत्र में मैं जाऊँगा तो मुझे सुपरविजन करना है इस चीज़ का, कहाँ कहाँ कोई कमी रह गई है उसको दूर करने का प्रयास करूँगा और हमारा एक ही लक्ष्य होगा 2019 का।